ओके गाइस, फाइनली 4 महीने के बाद ऑलराइट गाइस, तो यार मैं भी लैंड हो गया हूँ सिंगापुर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 घंटे का ले ओवर है। और मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा हूँ इसकी कहानी मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा, सब कुछ लिखा होता है। तो चलो भाई, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ लाइफ में। चुके हैं पर्थ में और ये हमारे भाई एयरपोर्ट पे लेने आए थे। भाई यार कितने दिन में, 1 घंटा रुका भाई। तो मतलब ये देखो, इंडियंस का प्यार है, पर्थ का सबसे पहला खाना, और वो भी भाई की तरफ से, भाई ने पार्टी दी है। और आप लोग गैस करो, ये रोल कितने का होगा, कितने का भाई? दोनों 25 रोल, 12x55, ज़्यादा नहीं, 600 रुपये का ही है, कोई नहीं। रात को मैं काफ़ी लेट हो गया था और अभी उठा हूँ, मतलब मैं उठा हूँ अराउंड 3-1 बजे। तो अभी भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं बैंक और सिम दिलाने। आप तो बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है क्या? नहीं, सबसे पहले सिम, फिर वोडाफोन मिल जाता है यहाँ पर, वोडाफोन मिल जाता है, फिर हमारे कॉमनवेल्थ बैंक है जो कि काफी फेमस है। तो भाई सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है, और थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पे, लग तो ऐसे रहा भाई जैसे गुड़गांव में आ गया। सही बोल रहे हो, 41 डिग्री, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे गुड़गांव का जो साइबर अब है ना, सिर्फ साइबर अब सबसे क्लीन एरिया, सबसे बढ़िया एरिया है ये, सारे बढ़िया एरिया दिख रहा है, कितने क्लीन है देखो भाई, कितने साफ रोड है। फॉर्चुनेटली बैंक अकाउंट खुला नहीं क्योंकि हम थोड़ा लेट आए, बोला अर्ली मॉर्निंग आओ। अब आदत इतनी गंदी पड़ी हुई थी इंडिया में, सुबह 11-12 बजे उठना, अब यहाँ तो जल्दी उठना पड़ेगा। चलो भाई अभी सिम लेने जा रहे हैं, ये रहा भाई वोडाफोन, यहाँ सिम लेते हैं। और अभी ये उतारे खाल, क्योंकि यहाँ पे पैकेज कितने का मिलता है भाई? $50, कितना हो गया? 2500 महीना ले भाई साहब। यार सिम लेने के बाद अब आए हम खाना खाने के लिए, और पहली बार डॉलर्स में भाव देख रहा हूँ भाई। अभी तो दिमाग में यही रहेगा कि डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करने कितना पड़ेगा। भाई तुम्हें तो आदत हो गई होगी। अपना तो ऐसी है, शुरू में हम भी सोचते थे भाई समोसे खाने में भी, मतलब 300-400 रुपए के समोसे आते थे 2-250 में। तो ये सोच लो बस, मतलब माइंड सेट ये बनाना पड़ता है कि इंडिया के हिसाब से 5-star होटल में खा रहे हैं समोसे, 300 रुपए तो इंडिया में भी भाई 5-star में, तो अपने ये 5-star मान लो। तो गाइस फाइनली खाना आ गया है। तो ये देखो, ये राइस, दाल मखनी, पनीर और रायता, मतलब इंडिया से बाहर आ गए, और देसी खाना इंडिया से बाहर ही जा रहा है भाई, बोलते हैं ना कि दिल से देसी, जाएंगे कहीं भी और खानी दाल मखनी। दाल मखनी तो परमानेंट है, चाहे कहीं भी जाओ। ये है मेरा घर जहाँ मैं रहने वाला हूँ, और क्लैरिटी देखो, बिल्कुल ही क्लियर आसमान है, और यहाँ पे हम रहेंगे अभी। ऑलराइट गाइस, तो यार आज है मेरा पहला दिन अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, और काफी सुहाना ही मौसम है, मतलब काफी नीट एंड क्लीन है भाई माहौल। अब मुझे तो पता नहीं था भाई क्या करना है, क्योंकि ओरिएंटेशन तो मैंने मिस कर दिया, कल मेरा ओरिएंटेशन था। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूछा था ओरिएंटेशन में, अगर मिस करते हो दिक्कत है, और इन्होंने मेरे को एक कार्ड भी दिया है जो जिसमें हमें करना है भाई। पता नहीं जीवन से पढ़ाई कब खत्म होगी यार, पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। दोबारा से मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए, अब हो गया यार इंटरनेशनल लेवल पढ़ाई करेंगे। और अपने भाई देखो यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं भाई। भाई ने बहुत किया यार, इतना कोई बंदा नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ तब से भाई ने साथ दिया पूरा। और आप गैस करो, 1 semester की फीस कितनी होगी? ज्यादा नहीं है, बस 10 लाख रुपए दिए हैं यार, और ये 10-10 लाख रुपए करके 4 semester देने, 4 बार देने हैं। पर पढ़ाई वर्थ है ना, यही काम करेंगे, यही कमाएंगे, यही खाएंगे। तो रास्तों के ना मेरे को नाम भी नहीं पता। नोला मारा को किसने मारा? सबब का नाम है भाई। इस चीज की मेरे को जासूसी करनी पड़ेगी। और ये देखो यार, साथ में हम क्या लेके जा रहे हैं, भाई के दोस्त की डिमांड आई थी कि उसको भी यार पूरी खानी है और छोले वोले खाने हैं, तो हम उसके लिए भी लेके जा रहे हैं। टिफिन था नहीं, तो इसलिए ऐसे पकड़ के बैठे रहना पड़ रहा है। तो भाई आज तो बारिश का ही मौसम है, देखो भाई सुहाना मौसम फाइनली, वरना तो गर्मी ही गर्मी बरस रही थी ब्रो। क्या इंतजाम है यहाँ पे, क्या है, कहाँ जाने वाले हम? बस ये समुद्रों के बीच में, समुद्रों के बीच में क्या बोलते हैं, यॉट बोलते हैं, याद बोलते हैं यॉट। ओह माय गॉड, एक वो आ रही, वो भी अपनी है क्या? अच्छा, वो इतना बड़ा इंतजाम नहीं है। चलो अंदर चलो, चले चलो अंदर चलते हैं। हमारी बोट चल चुकी है, और ये देखो भाई वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है 8 knots। और हमारे कैप्टन साहब से पूछते हैं भाई कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो कैप्टन, वेयर वे गोइंग? Tasmania. Okay. So guys, we are going to Tasmania. मैं तो कभी गया नहीं हूँ, so let's see. जासूस भाई स्ट्रगल करते हुए, पर बाद में जो यहाँ पे स्ट्रगल्स आए हैं ना, इस वजह से मैं वीडियो डाल ही नहीं पाया। और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आए, यहाँ से वापस कब जाओगे, यहाँ क्या करने आए हो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों आया, आप लोगों का सबसे पहला सवाल ये है कि इंडिया में मेरा यूट्यूब तो अच्छा चल ही रहा था, गुरा भाई के साथ काम कर रहा था, सारी चीजें सेट थी, पर यहाँ पे एक ही रीजन था कि मेरे घर वालों का, और उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि चल भाई तू कमा रहा है, तो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, पर कब तक।
मतलब वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे थे मेरे से कि आने वाले 10 साल के बाद तेरा क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, मतलब कैरियर क्या है। और यहाँ पे आने से पहले काफी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि यार घर वालों को छोड़ के जा रहा है अकेले, पीछे क्या कौन ध्यान रखेगा, कौन सारी चीजें करेगा, तो ये चिंता तो मुझे भी थी। पर सबसे मेन जो बात है कि घर वालों की खुशी, और घर वालों की खुशी किस चीज में है, वो मेरे करियर में है। वो चाहते ये थे कि भाई तू बाहर जा, बाहर जाके सेट हो, हमें भी देश विदेश घुमाए, सारी चीजें करे, तो बस यार उनकी खुशी के लिए मैं आ गया। दूसरा सवाल लोगों का ये होगा कि मैं यहाँ पे आई कर क्या रहा हूँ, तो एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मैं पहले अर्थ साइंटिस्ट था, मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई थी, तो यहाँ पे भी मैं दोबारा मास्टर्स डिग्री करने आया हूँ माइनिंग इंजीनियरिंग की। और मेन रीजन ये भी था यार, घर वालों को नहीं प्रूव कर पाया यार कि मेरे को एक यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग होती हो कि हाँ बेटा तू सब कुछ छोड़ छाड़ दे, कैरियर को अपने यूट्यूब में फोकस कर, इतना इजी भी नहीं है भाई। क्योंकि मेरे को यूट्यूब करते करते 4 साल हो गए थे, 2020 से 2024 आ गया यार, वो तो घर वालों को भी दिखता है यार। हाँ काफी यूट्यूबर है ऐसे कि भाई जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है, कोई पायलट था, किसी ने अपनी वैसे जॉब छोड़ी है और आज वो बहुत सक्सेसफुल है, पर वो चीज हमें प्रूव करनी पड़ती है यार। इंडिया जैसा देश तो है नहीं भाई, और ये देखो भाई की आदत नहीं सुधरी अभी तक भाई, लग्जरी गाड़ियों में ले लेके मेरी आदत ने बिगाड़ रखी है भाई ने। तो मजा आना चाहिए भाई, देखो ऐसे फ्री फील आनी चाहिए कि इंडिया में तेरा एक अच्छा दोस्त है जो तेरे को लेने आया है। दोस्त नहीं भाई अपना इंडिया में, भाई भाई है तेरा, भाई जिगरी, और भाई है दो दो गाड़ियों में लेना स्पेशल, लगेज के लिए अलग गाड़ी, बैठने के लिए अलग गाड़ी। भाई भाई नॉर्मल गाड़ी में नहीं आना चाहिए, तेरा स्वागत एक प्रीमियम कार में होना चाहिए। बताओ भाई साहब, SL55 ओनली वर्ड्स 2.5 CR ब्रो। ऑस्ट्रेलिया में जाके इतना प्रीमियम लगा था ना, उल्टा आगे लग रहा है भाई। देख एक बात है, मेरे भारत महान, मेरे चंडीगढ़ से हम आ रहे हैं, और जैसे मैं एयरपोर्ट से लैंड हुआ ना, भाई बोलता है क्या बोलता भाई, भाई ने बोला पार्टी करो, भाई बोलता पार्टी रुकनी नहीं चाहिए। और ये पीछे देखो मोपी बैठा है, वाह क्या एनर्जी है ब्रो, कहा दिए भाई कपड़े भी नहीं चेंज करे, जैसे एयरपोर्ट से लैंड हुआ था ना वैसे के वैसे ही मिले चंडीगढ़ चलेंगे। और दो दिन से इसने कपड़े ही नहीं बदले, दो दिन से कपड़े ही नहीं बदले, बताओ। पर ना आया हूँ यार, ऐसी बात है ना आया हूँ, झूठा, आज ना आया हूँ, कल नहीं आया था, है ना। ये देख ठीक है, चंडीगढ़ करे पार्टी, करे पार्टी, शहर दी कुड़ी, ये भाई कुड़ियों में रहे, बताओ भाई की बात ही कुड़ी से शुरू, कुड़ी में खत्म, भाई इस चीज से आगे बढ़ ले जिंदगी में, कुछ तरक्की हो जाएगी, आज की करते बर्बाद है। हाँ ये बोल गए बाबा जासूस किंग है भाई, ड्राइविंग जबरदस्त है तुम्हारी, आई एम इम्प्रेस्ड ब्रो, गाड़ी मैं चलाएगा, लुकिंग गुड, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, भाई बिल्कुल रणविजय सिंह लग रहा है एनिमल का। यो गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं मुंबई, और मुंबई में हमारे को बहुत सारा काम है, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं, तो इस पर मैं मुंबई आया था, तो मैंने बोला हमारा एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो उसको भी बुला ले। तो तू भी मुंबई आ गया, कैसा लग रहा था को मुंबई आ गया? बढ़िया भाई, भाई सच में मैं ऐसे अगर तेरे को देखूँ ना, जो तेरे कैसा लग रहा है, कहीं भी मार्स पे बैठा हुआ है, और ये मतलब फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन प्लैनेट, ये सही है ना, मार्स पे भेज देते हैं इसको, लगता तो तू एलियन ही है। तो हम यहाँ पर क्यों आए भाई, मुझे क्या पता भाई, बताता नहीं मुझे, क्या तुम्हें बताया तो था भाई, इंटरव्यू देने आया है। अरे बहुत सारे MTV को सबको इंटरव्यू देने आया, ताकि हमारा जो जोर की बरसात हुई गाना आया उसकी थोड़ी और PR हो। मुझे लगता है हमने व्लॉग ऑलरेडी डाल दिया है, तो ऑलरेडी PR तो फुल है भाई, PR के लिए मेरा डांस ही बहुत था, स्टोरी एक बार करके दिखा दे सबको। यहाँ पर इनकी पूरी टीम ही व्यूज हो जाएगी, ये किसा डांस था भाई। नहीं यार वो ना सिर्फ स्टोरी में हुआ है, व्लॉग में नहीं हुआ। तो जो हम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तुमने इतना बढ़िया डांस मिस कर दिया जासूस किंग का, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, अब कोशिश करता हूँ मैं इसको आज बनाने की, यहीं पर कर दे सबके सामने, आजा आजा, अबे यार चल ना, आजा आजा आजा, कल बड़े जोर की बरसात। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फ्री हुए चले कहीं कुछ खा पी गए, वो बहुत भूख लगी है यार, अस्सी वेट कर रहे हैं। और ये देखो यार यहाँ पे दबंग वाला चश्मा भी रखा है, जैसे क्या दबंग 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 टी सीरीज में भी रोल मिल जाएगा, तो टी सीरीज का भी ऑफिस में बैठे हुए थे गाइस। यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखी है भाई, ये देखो 4-5 पन्ने, ले याद कर, अगर तूने याद कर ले तेरा रोल पक्का, इससे आइए पेपर ना याद कर लू भाई, क्या बोलने लग रहा है भाई, कुछ बोल रहा है भाई, कुछ बोल रहा है गाइस, माइंड दे रहा है कि शोर बहुत ज़्यादा है, और ये भाई वहाँ गिफ्ट मिला है, खा ले भाई, तेरे लिए खाना रखा है, क्या घर से खा के आया था, बड़ी खुशी में जा रहे हैं पार्टी करने, पावड़ी पावड़ी मेहमान से भाई, पार्टी करने जा रहे हैं क्या आप? यो आप कब लोगे ऐसा अवार्ड? हम देंगे अगले साल अपना अवार्ड बनाएंगे, मेरे को देना, मेरे को अपना अवार्ड बनाएंगे, जासूस को बेस्ट अवार्ड देंगे।